आसान सा सब्जेक्ट है एचएसएससी के लिए, और ज़रूरी भी होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा टफ मानते हैं इस सब्जेक्ट को, इतना है नहीं। यदि आप इंग्लिश में स्कोर करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपको कुछ समय एक चैप्टर के बारे में डिस्कस कराऊंगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, चैप्टर है हमारे पास वॉइस, जो इंग्लिश का सबसे आसान चैप्टर है। इंग्लिश का सबसे आसान चैप्टर है और सबसे कम समय का चैप्टर है, आप ये भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से यदि आपको नंबर प्राप्त करना है, मात्र 10 व 15 मिनट की स्टडी आपके लिए काफ़ी है। वॉइस को आप लोग हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के, हिंदी के अंदर तीन प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं दो प्रकार के। नंबर एक पे आता है एक्टिव वॉइस, नंबर दो आप लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट टाइप क्या होगा, पेपर सेटर आपको लिख के देगा चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में आप लोग खुद चेक करेंगे वो क्वेश्चन जो डाला गया है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का है तो आप उसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, यदि आपके पास पैसिव वॉइस का है तो आप उसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। हालांकि कई बार इतना भी आसान होता है, पेपर सेटर खुद आपको लिख के देता है कि एक्टिव वॉइस फॉर्म को आप लोग पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरे टाइप का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसकी डिस्कशन मैं अब से लगभग 5 मिनट बाद करूँगा, अभी नहीं बताई जाएगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आखिरकार होती क्या है? आप लोग मेरे हिसाब से हिंदी वगैरह थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हिंदी में एक्टिव वॉइस को बोला जाता है कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस को आप लोग बोलते हैं कर्मवाच्य। नाम के अंदर से आपको पता चलेगा यहाँ आया है कर्त्री, कर्त्री मतलब कर्ता, कर्ता से फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। कर्ता होता है इंग्लिश में सब्जेक्ट और कर्म इंग्लिश के अंदर होता है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अंतर छोटा सा पहला आपको ये पता चला कि एक्टिव वॉइस वो होगा जो वाक्य की शुरुआत आपको सब्जेक्ट से दी गई होगी, पैसिव वॉइस वो होगा जो वाक्य की शुरुआत आपको ऑब्जेक्ट से मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ आपको कि एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पैसिव वॉइस में कैसी होती है। आप एक बार ग्रामर की ओर चलें, वाक्य की जो शुरुआत करता है वो सब्जेक्ट करता है, जो कि आप एक्टिव वॉइस के अंदर देखते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लोग यूज देखते हैं मेन वर्ब का, और लास्ट एंड फाइनल आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मिलता है फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी एक्टिव वॉइस के अंदर। जब आप लोग पैसिव वॉइस पर आते हैं इसका थोड़ा सा विपरीत होगा, विपरीत होगा, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट उठ के आपके पास आएगा आगे, आपने रखा है आगे, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, मैं तो पैसिव वॉइस के लिए केवल और केवल एक बात आपको बताना चाहूँगा, पैसिव वॉइस का वाक्य बी का रूप और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया जाता है। बी के रूप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगैर आप किसी पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यदि कहीं भी आपको बी का रूप और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए, हर एक कंडीशन में वो वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। ये छोटा सा अंतर है एक्टिव वॉइस का व पैसिव वॉइस का। उसके बाद आप लोग लगाते हैं बाय, और बाय लगाकर आप लोग जोड़ देते हैं सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पैसिव वॉइस व एक्टिव वॉइस का अंतर स्पष्ट करने वाला आपके पास होगा बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका क्वेश्चन रहेगा सर बी क्या है, बी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बी के आप अलग अलग रूप आप लोग देखते हैं कि बी के रूप में किन किन को देखा जाएगा, तो एक बार मैं बी के रूप आपको बता दूं। बी के रूप में सबसे पहला तो आता है खुद बी, उसके बाद आता है इज, एम, आर, उसके बाद आता है वाजवर, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है बीन। ये सारे के सारे रूप आप लोग टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा यूज टेंस के अंदर इनका देखा जाता है।
इस बी के रूप के साथ आपको मिलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो निश्चित तौर पर वो वाक्य आपके पास किस फॉर्म का होगा, पैसिव वॉइस फॉर्म का होगा। और आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक करवाने के लिए ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के आधार पर आपको ऑप्शन क्लिक करना है और केवल एक ऑप्शन में ही ये चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैं दो मिनट बाद आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं जो अभी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, एक बार वो बताऊंगा, मैं ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूँ, एग्जांपल मेरा नहीं है, एग्जांपल है आपके पास एचएसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम का। किसी को शक है तो मिलेगा आपको लैब अटेंडेंट वाले पेपर में, पेपर उठाओ, ध्यान से चेक करो, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, आंसर कैसे प्राप्त करना है ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन पर आते हैं, द पार्सल खालिस्तान आ मंथ एगो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर सेटर आपके एग्जाम में डालता है और ये क्वेश्चन सेकंड टाइप है जो वो इससे क्वेश्चन देखा जाता है। इसके चार ऑप्शन आपके पास आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है सेंट, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है हेड सेंट, तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है वाज सेंट और चौथा ऑप्शन आपके पास आता है हैज सेंट। अब पहली डिस्कशन ये आई कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ से प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट प्राप्त करते हैं एगो से, क्योंकि टेंस के अंदर एक बात आपको रटी रटाई बिल्कुल रिपीटेड बात पढ़ाई जाती है, किसी वाक्य में लास्ट, यस्टरडे, एगो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या आज से पहले का कोई भी सन आया है तो आप लोग वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जिसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, सेकंड फॉर्म है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन के अंदर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी जो एगो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठती है। लेकिन यहाँ बात नोट करने की ये है कि वाक्य की शुरुआत किसने की है, द पार्सल खालिस्तान आ मंथ एगो, कहने का मतलब है कि जो पार्सल है एक मंथ पहले भेजा गया था, इसका मतलब पार्सल तो भेजा गया था तो ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का, सब्जेक्ट तो यहाँ कोई और है, भेजने वाला कोई और है, पार्सल तो भेजा गया था, तो इसका मतलब यदि पार्सल ऑब्जेक्ट है, वाक्य की शुरुआत कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये वाक्य किस फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। और पैसिव फॉर्म के आधार पर आप जाएं, पैसिव फॉर्म तो वो होती है जहाँ बी का रूप और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो। जब आप ऑप्शन पे जाएंगे वो तो केवल और केवल आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट होंगे। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप था। अभी आज की इस लाइव क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का चेंज करना, ऑप्शन को क्लिक कैसे करना है, आंसर कैसे प्राप्त होगा।